मॉर्निंग क्लास एलजेब्रा कर रहे थे। एलजेब्रा के असाइनमेंट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर ईच सीक्वेंस फाइंड जनरल रूल एंड टर्म्स एंड 100 टर्म्स, ये इसमें निकालना है। सबसे पहले इसमें हम जनरल रूल बताएंगे। अब देखो ये टेबल्स बन रही है, 5 1 5 5 2 10, ये 5 का टेबल बन रहा है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो इसका जनरल रूल क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5, और इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 5 5 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल रूल, ऑल नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। तो जनरल रूल इसका ये हो गया। अगर हम इससे पूछें कि इसका nth टर्म क्या होगा, अगर हमें इसकी nth टर्म निकालनी है तो इसकी जो nth टर्म होगी, अब देखो ये 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो 5 तो सब में है, जो चेंज हो रहा है ये 1 2 3 4, ये चेंज हो रहा है तो इसकी जगह पर आ जाएगा n। तो इसकी nth टर्म होगी 5n। नेक्स्ट है 100 टर्म इसकी क्या होगी, 100 टर्म। अब इसकी 100 टर्म्स क्या होगी, 100 को हम n की जगह लिखेंगे तो इसकी n टर्म हो जाएगी 5 × 100 = 100 × 5 = 500। तो इसकी n टर्म हो जाएगी 500। इसी तरीके से नेक्स्ट है 4 8 12 16। तो देखो ये भी 4 का टेबल है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो जनरल रूल इसमें भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, और ये नंबर जो आ जाएगा 4 5 20। तो जनरल रूल इसमें लग गया। मल्टीपल्स ऑफ 4, और इसका जो एन टर्म बनेगा, अब ये 4 चेंज नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 ये चेंज हो रहा है, तो एन टर्म हो जाएगी 4n, और 100 टर्म इसकी आ जाएगी 4 × 100 = 400। नेक्स्ट है 12 1 12 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। तो यहाँ पर भी जनरल रूल क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 12। एवरी नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 12 है। एन टर्म क्या हो जाएगी, 12 चेंज नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है, तो इसकी एन टर्म हो गई 12n, और 100 टर्म हो जाएगी 12 × 100 = 1200। तो इसकी जो 100 टर्म्स होगी वो हो जाएगी 1200। नेक्स्ट है 1 5 9 13। अब 1 के बाद 5, इसमें हम ऐड करेंगे 4, तो 5 आया, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो जनरल रूल क्या हो गया, इसमें ऐड 4, तो इसमें 4 ऐड किया गया, तो ये जनरल रूल हो गया इसका ऐड 4। nth टर्म क्या हो जाएगी, जो ऐड किया गया है वो 4 × 1, 4 1 4 + 1, इसमें ये इसकी जो n टर्म हो जाएगी 4 × 1 + 1, दूसरा इसमें आ जाएगा 4 × 2 + 1, तीसरा आ जाएगा 4 × 3 + 1, ये हो गया 4 × 2 + 1, ये हो गया 4 × 3 + 1, ये हो गया 4 × 4 + 1। तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये 1 2 3 4, यहाँ पर देखो ये 1, ये 2, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई में 4 सब में सेम है, लेकिन उसके बाद जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है। तो इसका फार्मूला बन जाएगा 4n + 1। 4n में 1 प्लस करेंगे तो 4 1 4 और 1 5, 4 2 8 और 1 9, 4 3 12 और 1 13, 4 4 16 और 1 17। तो इसकी 100 टर्म्स क्या हो जाएगी, 4 × n की जगह हम लिखेंगे 100 + 1,
400 प्लस 1 ये आ जाएगा 401। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ होता है तो उसका जनरल रूल एंड टर्म्स और कोई भी टर्म्स आप निकाल सकते हैं।